शांतनु गुप्ता जी, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली ये कि जो बयानवीर हैं, जो बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी की वजह से देश का माहौल खराब हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर कहीं पर कोई कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति है, और फिर वही बात सामने आ रही है कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। कैसे ऐसे कैसे देश के हालात सुधर पाएंगे? देखिए, अगर एक विशेष वर्ग ही चार्ली हेब्डो से लेकर, फ्रांस से लेकर, भारत की बॉम्बिंग से लेकर, 9/11 से लेकर, 26/11 से लेकर, सब में एक विशेष वर्ग ही शामिल होगा तो वही जेल में जाएगा, उसी पर कार्रवाई होगी। आप कोई नया व्यक्ति तो पैदा कर नहीं देंगे सेकुलरिज्म की आड़ पे। जो जो गुनाह करेगा वही जेल में जाएगा। और ऐसा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में करीब 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करी है योगी सरकार में। उसमें अतीक अहमद से भी मिली है, मुख्तार अंसारी से मिली है, आजम खान से मिली है। एक भी केस में कोर्ट 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 उत्तर प्रदेश सरकार को घेर नहीं पाया, और सब अधिकतर केस कोर्ट में गए, लेकिन सब में उत्तर प्रदेश सरकार निकली। ऐसे ही एनकाउंटर में हुआ, एनकाउंटर में सब में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, किसी में उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस की कोई गलती नहीं मिली। तो यहाँ पे डिबेट में आके जोर जोर से बोलना नहीं है, बल्कि मैं सलमान भाई को जानता नहीं था, थोड़ा सर्च करने लगा ब्रेक में, तो जो पहली खबर आई तो पता लगा ये तो पिछले साल अरेस्ट हुए थे फ्रॉड के केस में, तो ऐसे तो पैनलिस्ट है हमारे। ठीक है शांतनु जी, लेकिन हम किसी पर ऐसे सवाल नहीं उठा सकते, आप मेरे मेहमानों पर सवाल नहीं उठा सकते। बहरहाल असगर खान साहब, आप जवाब दे दीजिए शांतनु गुप्ता, ठीक है, शांतनु गुप्ता जी की बात का जवाब दे दीजिए, और मैं भी इसमें सवाल ये जोड़ देती हूँ। आपने मेरे पहले सवाल में दो बातें कही थी, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी बी टीम बता दिया, जमात उलेमा हिंद के जब अध्यक्ष सामने आए उन्होंने बोला कि ये इन लोगों की वजह से ही भीड़ इकट्ठा हो रही है, इन लोगों की वजह से हंगामा हो रहा है, आपने उनको भी बी टीम बता दिया बीजेपी का, चाहते क्या है आप? नहीं, वो देखिए, काजमी साहब की अगर आप बात करती हैं तो बी टीम नहीं है, वो तो वहाँ के जरखलीत गुलाम है, हम उनको पर्सनली जानते हैं भाई, उनके लोग हैं, उन्हीं की टीम के लोग हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब अलग है, वो अलग है, उनसे कोई मार में घुस करके अगर सच्चाई बोल दे तो गुलाम हो गया। मुद्दे की बात पे आए, वैसे आप पैगंबर के गुलाम हो। एक, अरे सुन लीजिए, आप थोड़ी सी सुन लीजिए, अकल की बातें किया की है बंसल साहब, सुन लीजिए पूरी बात। आप ये बताइए कि अगर आप बिल्डोजर की बात कर रहे हैं, 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हमें को पत्थरबाजी की अकल नहीं चाहिए, हमें 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 जिहाद की अकल नहीं चाहिए, हमें आतंकवाद की अकल नहीं चाहिए, कानूनी है, हमें हमें आप बता दो नहीं चाहिए जो जिहाद की बात करते हो, हमने पहले कह दिया चाहिए जो दूसरे देशों के सरकार से कह के हमारे खिलाफ भारत पर हमला करने की अकल नहीं चाहिए, हम हमें हमें दूसरे देशों के कंधे पर हमला करना चाहिए और भारत पर हमला करने की अकल नहीं चाहिए, हम मस्जिद और मदरसों को सलमान आप भी बोलने लगते हैं तो फिर ऐसे तो मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाएंगे। अकल मत सिखाइए आप, अपने आपके पास तर्क नहीं है तो फिर कुतर्क मत करिए, अगर आपका तर्क नहीं है तो बंसल जी उनको बात रखने दीजिए, मैं कह रही हूं ना एक एक करके बोलेंगे, मैं आपके पास भी आऊंगी, आप अपने तर्कों से अपने फैक्ट्स को काट दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए उनको, सुन तो लीजिए, बोलिए बोलिए, सवाल मत करो यार। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम, मेरा 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 कहना यह है, यह आपका बिल्डोजर गैर कानूनी है, अगर कानूनी है तो आप पूरे पैनल में एक आदमी मुझे वो दफा बता दीजिए जिसके तहत ये बिल्डोजर आप चला रहे हैं। आपका कहना यह है कि हम वहां जाकर पहले हम उसकी मिल्कियत देखते हैं, अगर उसकी मिल्कियत नहीं है तो हम उसको बिल्डोजर चला देते हैं। अरे भाई सुन तो लो यार, सुन लो, हर केस में चला देते हैं भाई। बंसल साहब नहीं 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 गलत, देखिए ऐसे तमीज से बोला करो, जानवर वाली लैंग्वेज हमसे मत बोला करो। अरे सर मर्यादा रखिए, मैंने शुरुआत में कहा था अगर आप लोग ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे लिए डिबेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बंसल साहब बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर मेरे लिए डिबेट करना, अगर आप लोग आपस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगी, मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगी, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता, मैं ऐसी चर्चा नहीं कर पाऊंगी, चाहे बंसल साहब आप हो चाहे असगर खान आप हो, ऐसे ही हुआ था। अरे सर शब्दों की मर्यादा रखना सीखिए, अगर डिबेट पे बैठे हैं तो नहीं, नूपुर शर्मा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, इन लोगों ने ऐसे ही भड़काया था। मर्यादा अगर कोई ये बदतमीजी मत करिए डिबेट के अंदर, पत्थर मत रखिए, खैर आप नहीं मानेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।